हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त अभिषेक। तो सिंपल, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप लोग फ्री फायर गेम पीसी के अंदर कैसे डाउनलोड करके खेलोगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले दो वीडियो बना लिया है और आपको पता होगा। और जिस भी बंदे ने उस वीडियो को देखा था तो मुझे पता है आप लोग बोल रहे थे अभिषेक भाई पार्ट टू बनाओ, पार्ट टू बनाओ, पार्ट थ्री बनाओ, कुछ इस टाइप से आप लोग कमेंट कर रहे थे। पार्ट टू नहीं, पार्ट टू तो हो चुकी थी, पार्ट थ्री बनाओ। तो फिलहाल आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं हाउ टू प्ले फ्री फायर पीसी, तो ये सीरीज अभी हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। और कंटिन्यू इसलिए रखने वाले हैं, बहुत सारे पीसी प्लेयर हैं जिसे कोई बंदा गाइड नहीं करता है, तो फिलहाल मैं उन लोगों को गाइड करूंगा कैसे कैसे आप लोग पीसी में गेम प्ले कर पाओगे, तो जो जो बंदे पीसी में खेलते हैं। और उसके बाद मैंने जो आज से पहले वीडियो बनाया था, आज से समथिंग 6 मंथ पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू प्ले फ्री फायर ऑन पीसी, तो वो वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया था और उस वीडियो में समथिंग 5 लाख के आसपास व्यूज चले गए, 5 लाख के आसपास व्यूज चले गए। और उससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी 5 लाख के आसपास व्यूज चले गए। तो फिलहाल आप लोग कमेंट कर रहे थे अभिषेक भाई फिर से आप वीडियो बनाओ, तो फिलहाल मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आपको बोल दूँ कि जो भी बंदे पीसी प्लेयर हो और पीसी पे जो भी खेलना चाहते हो, अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए हो तो फटाफट से कमेंट करके बताओ अभिषेक भाई मैं पीसी में खेलता हूँ और मैं पीसी में खेलना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग कैसे पीसी में गेम प्ले करोगे और आपको क्या पता, तो सभी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग गेम प्ले करना है। जैसे कि आपको पता होगा टोटल गेमिंग हो गया, उसके बाद बी टू के हो गया, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सभी यूट्यूबर पीसी में खेलते हैं। और कुछ कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं वो भी बड़े हैं लेकिन वो मोबाइल प्लेयर है, तो मोबाइल में भी खेलना बहुत ही, बल्कि बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं अभिषेक भाई पीसी में खेलना टफ है या मोबाइल में खेलना टफ है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, दोनों में टफ है। पीसी में आपको प्रैक्टिस चाहिए, मोबाइल में भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, दोनों में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे समथिंग पीसी में 4 मंथ से खेल रहा हूँ, मैंने वीडियो 6 मंथ पहले बनाया था लेकिन उस टाइम पे मैं उतना नहीं खेलता था, इधर भी मैं उतना नहीं खेलता, बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा गेम प्ले किया था पीसी के अंदर। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर कैसे आप लोग खेलोगे सभी चीज मैं सभी गाइड करूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोग वीडियो में बने रहो और कोई भी प्रॉब्लम आपको, मैं अभी पहले ही बोल देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। यदि कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते तो इंस्टाग्राम की आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां से आप लोग इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके हमें मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल सोचे हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं आप लोग कैसे फ्री फायर गेम को पीसी में डाउनलोड करोगे और कैसे फ्री फायर गेम को पीसी में प्ले करोगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे इसीलिए मैं यहां पे ये वीडियो बना रहा हूं फिर से, नहीं तो पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था लेकिन उसके बाद 6 मंथ हो गए तो बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं जो कि मैं भी आपको यहां पे कवर करने वाला हूं और सभी चीज आपको यहां पे बताने वाला हूं। सिंपल सोच लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने पीसी की ओर, मैं आपको यहां पे सभी चीज बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आप लोग पीसी में गेम प्ले करोगे। तो सिंपल सोच लिए बढ़ते अपने पीसी की ओर। हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग आपको बताने वाले हैं अपने सेकेंड पीसी में बताने वाले हैं आप लोग कैसे फ्री फायर गेम को डाउनलोड करोगे और प्ले करोगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो सेकेंड पीसी ये भी गेमिंग पीसी है बट लेकिन ये नॉर्मल पीसी है और ये बजट पीसी है। तो आपको बता दूं इस पीसी के अंदर मैं आपको यहाँ पे फ्री फायर गेम खेल के दिखाऊंगा, डाउनलोड करके दिखाऊंगा कैसे खेलना, कैसे क्या क्या करना सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इस पीसी का डिटेल्स दिखा देता हूँ, इस पीसी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या बल्कि नहीं है सभी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे AMD Ryzen 3400G है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 8GB RAM है इस पीसी के साथ। तो फटाफट से ये बजट पीसी आता है और यदि आपसे बल्कि आपका पीसी इससे थोड़ा भी लो है तो आपके फ्री फायर गेम चल सकती है आपके पीसी में, आप लोग ट्राई जरूर करना। तो फटाफट से ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, ये बजट पीसी है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ और इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं लगे हुए हैं, बस ये अपने प्रोसेसर और रैम पे चल रहा है। तो आपको फ्री फायर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी के क्रोम ब्राउजर में जाना है और उसके बाद ऊपर में आपको सर्च मारना है ब्लू स्ट्रिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू स्ट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे सर्च मार रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे सर्च मार रहे हैं सेम आपको वैसे ही सर्च मारना है जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च मार रहा हूँ। और एक बात मैं और बता दूँ, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में नोटिफिकेशन बटन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लेना। तो ब्लू स्ट्रिक्स डाउनलोड आपको सर्च मारना है, जैसे आप वो कर लोगे तो एक सेकेंड में आप लोग देख सकते हो हमारा एक और आया होगा, एक बल्कि न्यू पेज खुला और फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट में जो है ब्लू स्टिक्स आपको उस पर क्लिक करना है पीसी विल पे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लू स्टिक्स यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है फटाफट से। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद क्या क्या करना सभी चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फटाफट से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्लू स्टिक्स डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बताते हैं,
तो हमारा ये ब्लू स्टिक्स डाउनलोड हो रहा है तो डाउनलोड होने दीजिए। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद इसे आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से जाते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। किस फाइल में सेव हुआ है तो आपका भी डाउनलोड फाइल में सेव हुआ होगा। तो हम लोग जाते हैं अपने पीसी के डाउनलोड फाइल में और वहाँ से हम लोग यहाँ से डाउनलोड बल्कि इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग डाउनलोड फाइल पर आ चुके और सबसे ऊपर देख सकते हो ब्लू स्टिक्स है, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे पता है सभी बंदे को आता होगा, तो फटाफट से हम लोगों ने ब्लू स्टिक्स पे क्लिक किया। यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी। तो अभी आने दो और यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल नाउ का प्रोसेस आ चुका है। आप लोग यहाँ पे याद रखना आपके जो नेट हो, नेट कनेक्शन हो, वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तभी आपका यह जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो पाएगा। जितने फास्ट आपके नेट कनेक्शन होंगे उतने जल्दी आपका यह इंस्टॉल होगा। तो फटाफट से हमारा डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ MB इसके अंदर भी कटेंगे, 300-400 कुछ ऐसे MB कटते हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ब्लू स्टिक्स हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने दीजिए। तो ये हमारा फटाफट से इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया, आपके नेट कनेक्शन के ऊपर है, आपका नेट जितना फास्ट उतना जल्दी आपका इंस्टॉल होगा। उसके बाद कुछ स्टेप्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा फाइल, तो फाइल एक्सट्रैक्ट होने दीजिए। और उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर सेटिंग है जो कि मैं आपको एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और ये जो हमारा पहला ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग यहाँ पे ब्लू स्टिक डाउनलोड करने के लिए बताएंगे और नॉर्मल कैसे आप लोग गेम प्ले करोगे वो बताएंगे। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो हमारा ब्लू स्टिक्स ओपन हो रहा है। जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन इन का प्रोसेस मांगा जाएगा। तो ब्लू स्टिक को आपको ओपन करना, जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन इन का प्रोसेस मांगा जाएगा। तो आपको साइन इन करना है, साइन इन किससे करना, तो वो तो आपको पता आपके अपने जीमेल से। तो आपके मोबाइल में जीमेल होगा तो उस जीमेल आईडी को और पासपोर्ट डाल के आप लोग साइन इन कर लेना। तो फिलहाल आपको साइन इन करने के लिए पता होगा। तो हम लोग यहाँ पे साइन इन करके आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे बताते हैं। तो आगे आपको क्या करना, साइनिंग होने के बाद आपका कुछ ऐसा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा जो कि आप लोग मोबाइल में प्ले स्टोर यूज करते हैं, गूगल प्ले, कुछ स्टेप से आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फ्री फायर गेम को ओपन करना है। तो फ्री फायर गेम को ओपन नहीं करना, फ्री फायर गेम को अब आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैंने ब्लू स्टिक डाउनलोड करने के लिए बताया, तो आपको अब यहाँ से फ्री फायर को डाउनलोड करना है। तो फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए फिर से हम लोग जाते हैं गूगल प्ले पे। गूगल प्ले पे जाने के बाद आपको सबसे ऊपर सर्च मारना है क्या, फ्री फायर। तो हम लोग सबसे ऊपर फ्री फायर सर्च मारते हैं। तो फ्री फायर सर्च मारने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ्री फायर आ चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो फटाफट से यहाँ पे इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना, आपका नेट जितना फास्ट रहेगा उतना जल्दी आपका इंस्टॉल होगा। तो फटाफट से ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल होने दीजिए। जैसे आपका मोबाइल में इंस्टॉल होता है सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी इंस्टॉल होगा। ऑटो बैक क्यों हो गया सर जी, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से हम प्ले स्टोर बल्कि गूगल प्ले ओपन करते हैं, फिर से हमसे फ्री फायर सर्च मारते हो। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सेम टू सेम आपको ऐसे ही इंस्टॉल करना है। जब तक ये इंस्टॉल है तब तक आप लोग वीडियो पर लाइक नहीं हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक कर दो। तो आप लोग देख सकते हो हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप थोड़ा सा कट कर दिया था, तो फटाफट से यहाँ पे फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। इंस्टॉल करने के बाद अभी हम लोग फटाफट से इसे ओपन करेंगे। तो हम लोग यहाँ से बैक आते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे सेटिंग और बहुत सारे फैक्टर है जो कि मैं आपको इस पार्ट वन में बता रहा हूँ, और उसके बाद और भी पार्ट आएंगे जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले फ्री फायर हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ब्लू स्टिक्स में। और उसके बाद फ्री फायर डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे आपको यहाँ से इसे खेलना है। तो इसके खेलने से पहले हम लोग यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे कैसे, जैसे जैसे आप लोग मोबाइल में सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, आपसे जो जो परमिशन मांगे जाएंगे, जैसे जैसे मोबाइल में मांगा जाता है सेम परमिशन आपको यहाँ पे मांगे जाएंगे। सभी परमिशन को आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। और आपको यहाँ पे फेसबुक गेस्ट मोड आपको जो सेम मोबाइल के जैसे फंक्शन है, क्योंकि मोबाइल का ही फ्री फायर है ये जो कि हम लोग यहाँ पे पीसी में एम्युलेटर में खेल रहे हैं। और आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग के ऑप्शन में, और जो जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ आपको यहाँ पे टू कॉपी वही सेटिंग करना है। आप लोग यहाँ पे देख लो, डिस्प्ले पे जाना है और आपके पीसी की ओकेडिंग, बल्कि पीसी की ओकेडिंग आपके डिस्प्ले के साइज कितना है, आपका डिस्प्ले कितना मैनेज कर सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख लेना और कर लेना। क्योंकि ज़्यादा आप लोग हाई करके रखोगे तो आपका गेम प्ले लैग भी कर सकता है यदि आपका पीसी तगड़ा नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम रखा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मीडियम रखने के बाद जैसे आप लोग इसे चेंज करोगे तो यहाँ से रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सेव करने के लिए रीस्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर से हमारा ब्लू स्टिक्स ओपन होगा, तो ओपन होने दीजिए। और यहाँ पे फिर से आपको कुछ कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और ये सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप अपने पीसी को अकॉर्डिंग करना कि आपके पीसी कितने पावरफुल है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी आपको जो सेटिंग मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, तो इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे ये भी सेटिंग करना कि आपके पीसी कितने पावरफुल है, उस हिसाब से आप लोग लो हाई करके चेक कर लेना क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। और उसके बाद सेम टू सेम आपको ये सेटिंग रखना जो जो यहाँ पे रख रहा हूँ, और ऊपर में जो मैंने दो सेटिंग किया था उसे आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे फिर से इसे सेव करते, फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट मांग रहा है। जितना बार आप लोग सेव करोगे उतना बार यहाँ से आपसे रीस्टार्ट मांगा जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फटाफट से फ्री फायर गेम फिर से ओपन करते हैं। तो हमारा फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। और उसके बाद और भी बहुत सारे सेटिंग है जो कि मैं
भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले हम लोग गेम के अंदर जाते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे गेम प्ले करता हूँ और जो छोटे मोटे सेटिंग है वो भी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। और एक बात मैं और बता दूँ, आपके पीसी लो कैटेगरी है तो इसको आप लोग स्टैंडर्ड रखना, आपको बेसिक में जाना है, क्वालिटी को फुल्ली स्टैंडर्ड रखना है यदि आपके पीसी लो क्वालिटी का है तो, इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड रखना, यदि उससे भी कम का कुछ आ रहा है तो उससे भी कम आप लोग रखना, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे गेम स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड का, बल्कि गेस्ट आईडी था इसलिए ट्रेनिंग ओपन नहीं हो रहा था। हम लोग जल्दी से अपना मेन आईडी लॉगिन करते हैं। मेन आईडी लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मोड में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे भी कुछ कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे बताएंगे हम लोग। तो फटाफट से हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग मोड में और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ कुछ सेटिंग। आप लोग फुल्ली फॉलो करना, जो भी सेटिंग मैं बताऊंगा जैसे जैसे मैं खेलूंगा सेम टू सेम आपको वही फॉलो करना। तो फटाफट हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और उसके बाद जितने सारे छोटे मोटे बग्स सेटिंग जो भी है सभी चीज़ बताऊंगा। बग्स तो कुछ है नहीं। और आपसे रिक्वेस्ट और है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में नोटिफिकेशन बटन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लेना, जिससे ये होगा कि हमारा कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। गेम के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सभी सजेशन आपको दिया हुआ है, WSDS, बल्कि सभी आपको लिखा हुआ। जिस बटन पे आप लोग क्लिक करोगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जेड हो गया, सी हो गया, सभी बटन के ऊपर सभी वर्ड लिखे हुए हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से, बल्कि फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप ये सब वर्ड को प्रेस करके खेल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे खेल के दिखा रहा हूँ और जब लोग देख सकते हो माउस का लोगो जो है जो आता जाता है वो आप लोग याद रखना, आपके कीबोर्ड में F1 होगा, उस F1 को प्रेस जैसे करोगे तो आपका माउस का लोगो हट जाएगा, बल्कि आ जाएगा, और फिर से प्रेस करोगे तो फिर हट जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे माउस का लोगो को बाहर अंदर कर सकते हो, बल्कि हला सकते हो और हटा सकते हो। तो फटाफट से आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे माउस का लोगो मैंने यहाँ पे चेंजिंग किया तो आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हो। यही सेटिंग में आपको जाना डिस्प्ले सेटिंग में, अभी तो DPI आपको 340 रखना, यदि आपका नॉर्मल PC है कीबोर्ड है 320 था तो फटाफट से आपको उतना रखना है और उसके बाद आप लोग अच्छा से खेल सकते हो। अभी हम लोग यदि कुछ करते हैं तो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। यदि आपका गेमिंग नहीं है तो आपको मैंने पहले ही वीडियो क्लिप दिखाया था, वो गेमिंग कीबोर्ड और माउस नहीं था, नॉर्मल कीबोर्ड माउस था। यदि आपका गेमिंग कीबोर्ड माउस है तो उस हिसाब से रख लेना। और उसके बाद आपको इस भी आपको सेटिंग करना, जो सेटिंग मैं अभी कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको यहाँ पे दोनों में 3-3 करना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेम आपको इसमें भी 3 कर देना और उसके बाद वाई में भी आपको यहाँ पे 3 कर देना, सेम टू सेम आपको ये सेटिंग करना है, दोनों साइड आपको 3-3 कर देना है। और आप लोग फॉलो करना, एक एक स्टेप को फॉलो करना, एक भी स्टेप को मिस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों का आप लोग 3-3 कर देना और उसके बाद सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो ये हमारा देखो अभी थोड़ा सा मेरा स्क्रीन थोड़ा सा फास्ट हुआ है, तो थोड़ा पहले स्लो था अभी थोड़ा सा स्क्रीन फास्ट हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उसके बाद बहुत सारे फंक्शन है, इमोट भी लगाना बहुत आसान है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। फिलहाल आप लोग देखो बहुत ही फास्ट यहाँ पे हो चुका हमारा स्किन। और अभी तक आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं किए हो, प्लीज वीडियो पे लाइक कर दो। इस वीडियो पे ज्यादा नहीं 10,000 लाइक है, हमका टारगेट दे रहे आपके अभिषेक भाई, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर 10,000 लाइक कंप्लीट करवा दोगे। तो फटाफट से लाइक एम तो बनता है, 10,000 लाइक तो कंप्लीट करवा ही देना आप लोग, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो और बहुत ही लंबा वीडियो बन रही है। तो फिलहाल अभी और भी बहुत सारे सेटिंग है जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यदि आपको गन लेना है तो यहाँ पे देख सकते हो पहले ही सजेशन में आ चुका है, वो बटन आप लोग प्रेस करोगे कीबोर्ड में तो आपका यहाँ पे गन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे गन सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं अभी आपको गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैंने सेंसिटिविटी आपको बता दिया, सभी चीज़ बता दिया और मैं आपको यहाँ पे इमोट लगा के भी दिखाता हूँ कैसे हमारे इमोट लगते हैं, कैसे क्या लगते हैं, सभी चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी लगा के दिखाता हूँ। और उससे पहले फिर से बोल रहा हूँ सर जी, वीडियो पे लाइक नहीं की, प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दो। तो फटाफट यहाँ पे देख सकते हो इमोट कुछ इस टाइप से लगता है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस आपको पहले से सेटिंग किया रहेगा, सभी सेटिंग पहले से किया रहेगा, आपको कंट्रोल क्लिक करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो नंबर पे आपका जो इमोट लगा रहेगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे इमोट आ जाएंगे और आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात मैं और बता दूँ, इस पार्ट के अंदर मैं फुल्ली सेटिंग नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जहाँ तक हो पाए मैं वहाँ तक इस पार्ट को बल्कि लेके जाता हूँ। और उसके बाद इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जिसमें आपको वहाँ पे फुल सेटिंग बताएंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे गेम प्ले भी करके दिखाता हूँ कैसा हमारा थोड़ा बहुत गेम प्ले होता है, मैं सभी चीज़ आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक और भी कुछ सेटिंग है तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग जिससे आपका गेम प्ले अच्छा होगा, कस्टम मोड में जाना और उसको जो फायर बटन है उसे फुल्ली छोटा कर लेना है। फुल्ली छोटा करने से ये होगा कि आप अच्छा से खेल पाओगे, ऊपर नीचे करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल आप लोग हम लोग चलते हैं वहाँ पे गेम प्ले करने के लिए थोड़ा बहुत।
तो आप लोग गेम प्ले देख बल्कि आप लोग गेम प्ले देखो। और उससे पहले जब तक आप लोग गेम प्ले देखते हो मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। इस पार्ट में मैं आपको फुल नहीं बताया हूँ बल्कि फुल मतलब टोटल बल्कि टोटल जो जो मेन बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें जो कि मैं इस पार्ट में कवर नहीं कर पाया। अभी यदि मैं फुल्ली पार्ट को कवर करूंगा तो ये वीडियो 1 आवर से ऊपर का बन सकता है, इसलिए मैं सभी पार्ट को अलग अलग वे में लेके जाऊंगा, सभी पार्ट के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं आपको बोल देता हूं। और उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको पीसी में खेलने के लिए मैं सिखाऊंगा। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, पार्ट 2 चाहिए और इससे आगे का पार्ट चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर से ज़रूर बताना। जितने सारे कॉमेंट आएंगे पीसी प्लेयर से रिलेटेड, जितने सारे आप लोग कॉमेंट करोगे, जितने सारे लाइक आएंगे, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सो चलते बाय बाय, मैं आपका दोस्त अभिषेक, उम्मीद करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रही हूँ गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे। सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना।